अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे हमारे पास एसी डीसी फ़ैन है और इसमें ये मसला है कि ये पंखा थोड़ा सा जाम है और इसकी वर्किंग सही नहीं है, चलने में इसकी स्पीड भी थोड़ी कम हो गई है। ये देखें, मैं इसे घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। आमतौर पर यह पंखा ऐसे घुमा दें तो ये काफ़ी देर तक घूमते रहता है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसे घुमा रहे हैं तो ये अंदर से इसका मैग्नेट इसे पकड़ रहा है, ये फंस फंस के ये पंखा जो है चल रहा है। तो अब हम इस पंखे को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है और उस फॉल्ट को दूर करेंगे और इन्हीं तरीके कार को आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें कि बात की पूरी समझ आ सके, और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों किसी भी सीलिंग फ़ैन को खोलने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेना होता है कि दोबारा हम जब इसे फ़िट करें तो उस वक्त हमें आसानी हो जाए। तो हम इसके स्क्रू को खोलेंगे। ये तीन स्क्रू हैं, ये ब्लेड वाले स्क्रू हैं, तो इन्हें हमें नहीं खोलना है। दोस्तों ये सिर्फ डीसी फ़ैन है और इसमें एसी डीसी कार्ड लगा के इसे एसी डीसी भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे जैसा कि सिर्फ डीसी सर्किट लगा हुआ है, अगर आप एसी डीसी सर्किट लगा देते हैं तो ये एसी डीसी पंखा जो है बन जाता है। अगर आप इसमें एसी डीसी कार्ड लगाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी सर्किट के ज़रिए हम इसे एसी डीसी पर चलाएँ, तो उसके लिए आपको एक सप्लाई लेना होगा। 12 वोल्ट की सप्लाई की वायर आप इसी जगह जोड़ के इसी पंखे को एसी डीसी बना सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इसके तीनों स्क्रू को खोल दिया है और ये देखें, नीचे जो है इसका कोई होल नहीं है। आमतौर पे यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, उस होल में हम पुलर लगा के इस कवर को निकालते हैं, तो यहाँ कोई होल मौजूद नहीं है। तो हर पंखे को खोलने का अलग अलग सेटअप होता है। तो ये जैसा कि पुराना मॉडल का पंखा है तो इसे हम नीचे से नहीं, साइडों से खोलेंगे। ये देखें, यहाँ पर जो इसका जो जॉइंट है, यहाँ पर हमें एक पेचकस की मदद से हल्का सा हम पुश करेंगे तो ये पेचकस अपनी जगह बना लेगा। तो ये आसानी से खुल जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बैरिंग जो है इसके अंदर फिक्स नहीं होता। थोड़ा सा कवर बना हुआ है, बैरिंग का जो थोड़ा सा हिस्सा है वही इसके अंदर होता है। अब ये देखें, यहाँ पे इसका ये मैग्नेट है, ये इसका स्टेटर है, ये इसकी वाइंडिंग है। अब यहाँ पे फॉल्ट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो फॉल्ट है वो ये है, ये देखें, इसको इस स्टेटर को मैग्नेट के बीच में होनी चाहिए, यानी ये पूरी इस तरह से बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखें स्टेटर जो है बिल्कुल नीचे की तरफ गया हुआ है, मैग्नेट ये पूरी खाली है। तो जाहिर है इसको मैग्नेट पूरी तरह से पकड़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से पंखा की वर्किंग जो है वो सही नहीं है। ये देखें, स्टेटर जो है अपनी जगह से सरक के ऊपर नीचे की तरफ चला गया। ये देखें, ये जो आपको ग्रिप नज़र आ रहा है, ये दांत बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो स्टेटर ये नीचे लाक में आकर बैठा हुआ होता है। तो ये स्टेटर ऊपर की तरफ जाने की वजह से ये अपनी जगह से आउट हो चुका है। तो अब हमें इस पंखे को खोल के स्टेटर को नीचे की तरफ दबाना है और फिर इसे दोबारा फिट करना है। इसके लिए हम इसके यहाँ पर जो पिन है, इस पिन को खोलेंगे। यहाँ हमने इसके पिन को निकाल दिया। यहाँ पे जो स्क्रू लगा हुआ है, इसके नट को हम खोलेंगे। इन दोनों नट को खोलने के बाद ये बोल्ट को हमें निकाल लेना है और इस डंडे को ऊपर की तरफ हम इस तरह खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। और अब हमें इस कवर को भी निकालना है। इस कवर को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन तारों को सेट करना होगा। इस तार को हम इस तरह बीच में करेंगे। हम अगर इसको इस तरह से पुश करते हैं तो मैग्नेट पे ज़ोर पड़ रहा है, तो हम इस मैग्नेट को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखें, मैग्नेट में कोई स्क्रू वगैरह लगा हुआ नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह ही लाक में फंसा हुआ है। तो इसे हम इस तरह से ज़ोर देंगे तो ये मैग्नेट बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हमें इस स्टेटर को ऊपर की तरफ लाना है। यहाँ पर हम ज़ोर दे के इस तरह करते, ये देखें स्टेटर अपनी जगह पर आ जाता है। पहले ये स्टेटर यहाँ था, तो ये स्टेटर जो है हम इस तरह से ज़ोर दे के ऊपर की तरफ ऐसे ले आएंगे। हमें ये हिस्से को खोलना था लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने इसके राड को खोल दिया है, दोबारा से हम लगा देंगे। तो हम ये समझ रहे थे कि हमें ये पूरा खोलना पड़ेगा, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटर यहीं से ऊपर नीचे हो जा रहा है। ये देखें, मैं इसे दोबारा से प्रेस कर रहा हूँ, ये नीचे की तरफ है। तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर एक कतरा एल्फी डाल देना है इस जगह पर, तो ये अपनी जगह पर आकर रुक जाएगा, दोबारा हम इसे फिट कर देंगे। यहाँ पे हमें एक दो कतरे एलपी देके इसे ऊपर की तरफ खींच लेना है और दोबारा इसे फिट कर देना है। ये देखें, एलपी डाल के हमें फ़ौरन ही इसको ऊपर की तरफ खींचना होगा, अगर हम देर कर देंगे उस सूरत में फिर ये स्टेटर ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ये आपने ख्याल करना है कि एलपी डालते ही फ़ौरन स्टेटर को ऊपर की तरफ खींचना है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए इस तरह सीधा करके रख देंगे कि स्टेटर अपनी जगह पे जाम हो जाए इस तरह।
और 5 मिनट के बाद इसे हम दोबारा से फिट करेंगे। अब हम इसके राड को भी यहाँ पे दोबारा से लगा देंगे। हमने राड खोला था कि शायद हमें पूरा पंखे को खोलना पड़े, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्टेटर इसी तरह ही सेट हो गया। यहाँ पे हमने इसके कनेक्टर को भी लगा दिया। नट टाइट करने के बाद हमें यहाँ पे पिन भी लगा के मोड़ देना है। दोस्तों, हमने इसके राड को भी कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे ये एलफी भी सूख चुका है। तो अब देखें, ये मैं इसे ज़ोर दे रहा हूँ तो ये स्टेटर नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। इसका जो फाल्ट था वो दूर हो चुका है। और ये देखें, यहाँ पे इसका कार्ड लगा हुआ है, तो इसके कार्ड का भी हमें ख्याल करना है कि इसे ज़ोर नहीं पड़े। इसे अगर हम किसी तरह का ज़ोर देंगे तो यहाँ से कुछ ख़राबी हो सकता है। तो हमें फ़िटिंग के दौरान इन सब चीज़ों को भी देखना होता है। और ये देखें, मैग्नेट जैसे हमने निकाला था उसी तरह ही हमें लगा देना है। लगाते हुए हमें हाथ का ख्याल करना है, हाथ को बीच में नहीं डालना है। आपने ये किनारे से पकड़ के इसको लगाना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटर जो है वो मैग्नेट के बिल्कुल बीच में आ चुका है। मामूली सा 19-20 का फ़र्क है, लेकिन पहले जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। स्टेटर जो है वो बिल्कुल मैग्नेट से आउट था। तो अब हम इसे नॉर्मली तौर पे फिट कर देंगे और इसे आपको चला के दिखाएंगे। नीचे में मैग्नेट नहीं है, नीचे से खाली कवर है जो कि जाकर बैरिंग के ऊपर बैठ जाता है। हम कवर को आराम से लगा के स्क्रू को टाइट कर देंगे। दोस्तों, हमने पंखे को मुकम्मल तौर पे फिट कर दिया है और अब आप देख सकते हैं पंखा जो है पहले की निस्बत जो है काफ़ी हद तक फ्री हो चुका है। तो हल्का सा ये पंखा जाम होता है, बहुत ज़्यादा जाम नहीं होनी चाहिए। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।